गाइस अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर आ चुका है, तो चलिए देखते हैं ट्रेलर कैसा है। बाकी एक्साइटेड हूँ, टीजर जो था वो मुझे ठीक ठाक लगा था, और उसमें जो पृथ्वीराज सुकुमारन की आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो ये देखते हैं कैसा होता है। बाकी उसमें मुझे वो पसंद आए थे, इसमें शायद अक्षय और टाइगर श्रॉफ पसंद आ जाएं, देखते हैं कैसा है। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। कौन है तू? प्रलय। आप लोगों की एक कीमती चीज में लेके जा रहा हूं। I hope you don't mind. The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be made in this country. दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। You need to act now. अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े दो साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। मैं नॉर्थ कवर करता, आप ईस्ट संभालो। तू क्यों लीड करेगा? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट। एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? बड़ा कौन है? दिस इज हॉलीवुड। इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम, आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी अंडरकवर एसेट। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है, वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। जो तुमने मेरे साथ किया है अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। यू थिंक योर रियल हीरोज, ट्राई एंड स्टॉप मी। ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। रेजिमेंट का नाम है लायंस, और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है उतना ज्यादा खतरनाक होता है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। ऑलराइट गाइस, जो ट्रेलर था वो मुझे ठीक लगा, ज़्यादा बेहतर नहीं कह सकता, लेकिन ट्रेलर जो था वो काफ़ी अच्छा था। इसमें जो VFX यूज़ किया है वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है, और टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। वो डायलॉग डिलीवरी जो थी वो अच्छी नहीं थी, उसकी जगह शायद अक्षय जो थे वो डायलॉग डिलीवरी करते तो अच्छे लगते। बाकी अक्षय इसमें एरोगेंट होंगे वो तो नज़र आ ही रहा है, और टाइगर श्रॉफ जो है वो थोड़े मजाकिया मिजाज के होंगे, तो वो देखेंगे कैसा होता है। बाकी शिव कुमारन के लिए एक्साइटेड हूँ, देखेंगे कैसी होती है। बाकी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, ऐसा नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन ट्रेलर देख के लग रहा है कि मूवी में कुछ तो ऐसा है। हालांकि स्टोरी जो है वो सारी ही दिखा दी है, लेकिन मूवी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो हमें एक्साइट करके जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, जब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले गाइस, टेक केयर।